सरदाना की बस्ती के लोग मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति जो है हमारी, उसके तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिसके हमारे अध्यक्ष आरिफ मलिक साहब और हमारे पार्षद सलीम मलिक साहब, हमारे नेताजी पिन्नू मलिक साहब, हमारे हाजी जी हाजी अयूब साहब, हमारे शकील मलिक साहब, हमारे सलाउद्दीन मलिक साहब, हमारे भाई आस मोहम्मद, जिला मुजफ्फरनगर खालापार की बस्ती में एक लड़की को अपनाने के लिए गए थे, वहाँ इनसे जाने अनजाने में या तो अल्लाह बेहतर जानता है या ये लोग जानते हैं, हम और आप सुनकार हैं। जैसा हमें अहले मामला ने बताया, हमने उनकी बात पे यकीन करके मशवरा किया और मशवरे में जो अहले मामलात ने हमें बात बताई, जिसमें हमारे हाजी रईसुद्दीन साहब जो बड़े भाई हैं, भाई नवाब ठेकेदार साहब के, इन लोगों ने, हम रात इनके घर गए थे, तो जो भी इन्होंने हमें वहाँ की कारगुजारी बताई, हमने उस बात पे यकीन करके और मेरठ की जिले की कमेटी को आगाह किया। जिले की कमेटी ने यह कहा हमसे कि भाई आप लोग सरदाना की बस्ती वाले फैसला करोगे, हम तो आपकी ताईद करेंगे। इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि जिन्होंने सरदाना की बस्ती को इस काबिल समझा। मैं सरदाना का नगर अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, आप तमाम लोगों ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, हालांकि मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ, बिरादरी की जुत्ती सीधी करने वाला हूँ मैं तो, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है ये अल्फाज कहने की, ये मेरी जबान है लेकिन अल्फाज जो है वो सरदाना की बिरादरी के हैं। कोई आदमी इस बात को ये ना समझे कि भाई हाजी शमशाद ने वहाँ ऐलान करा था, नहीं, ये सरदाना की बस्ती का मशवरा हुआ है और अहले मामलात भाई रईसुद्दीन और भाई नवाब ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में इन्होंने इजाज़त दी तो सरदाना की बस्ती इस फैसले को लेने के लिए आगे आई है। अगर अहले मामलात ही इसमें जो है हमें मंजूरी ना देते तो हमारी कोई बिसात नहीं है, क्योंकि बिरादरी का काम सिर्फ समझाने का है, ना कोई किसी को फांसी दे सकता ना कोई किसी को सजा दे सकता, हम तो सिर्फ आजीजी आरजू करने वाले हैं और भाई नवाब मलिक साहब और हमारे हाजी रईसुद्दीन का ये हमारी सरदाने की बस्ती पे और तमाम पूरी हिंदुस्तान की बस्ती पे एहसान है कि इन्होंने ये फैसला हमें लेने की इजाज़त दी बस्ती को। फैसला ये है कि इन बकौल इनके, इन्होंने कहा कि इस गलती की जो मेन वजह है वो बिचौलिया है। भाई नवाब ठेकेदार ने सरदाना में हमारी या मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है, ये तमाम मामलात जो बिगड़े हैं इसके बिगाड़ने के जिम्मेदार बिचौलिया हैं, हमारी कोई इसमें जान पूछ कर ऐसा करने की कोई मंशा नहीं थी, ये काम हमसे बिचौलियों ने करवाया, तो इसलिए बिचौलियों को ही इसके जो है मतलब जिम्मेदारी दी गई है और भाई नवाब की मौजूदगी में, भाई रईसू की मौजूदगी में तमाम सरदाना के लोग जो बस्ती के लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस जो आने वाली जो भी तारीख होगी अल्लाह के हुक्म से जब निकाह होगा तो उसमें बिचौलिया इनकी तरफ से कोई नहीं होगा। जी बिचौलियों ने जो है गलती करी है, अब अल्लाह बेहतर जाने बिचौलिया ने एक ने गलती करी या चार ने गलती करी या आठ ने करी, इनके जय भी बिचौलिया थे भाई नवाब के, वो तमाम बिचौलिया इस प्रोग्राम के अब बिचौलिया नहीं है, भाई नवाब इस बात की ताईद करेंगे, हाजी रईसुद्दीन इस बात की ताईद करेंगे। बिचौलिया
आदेश बस्ती के कमेटी के होते हैं, वो सब मंजूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, उन्होंने लगते हैं भाई, हैं? उन्होंने अभी अगर साथ ही चेयरमैन साहब सिराजुद्दीन साहब का, अपने नगर अध्यक्ष संसार साहब का,